हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक नया चैलेंज देने वाला हूं। मैंने जो पिछली बार आपको चैलेंज दिया था उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स बेनिफिटेड है, ओके, उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, वो अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कम्प्लीट कर पाएँ, ओके। बट आज मैं आपको एक नया चैलेंज देने वाला हूं, जहां पे मैं आपको कुछ और चैप्टर्स दूंगा और ये मेनली आपके समर वैकेशन के लिए होगा, क्योंकि अभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स का समर वैकेशन चल रहा है, तो आप सभी को इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, जैसे आप पीछे करते हुए आए हैं। मैंने आपको पीछे भी एक चैलेंज दिया था, जिसको फॉलो करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे लिखा कि सर मैं बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हूँ, मैंने अपना सिलेबस बहुत फास्टली कवर कर लिया है, यानी उनका हाफ ईयरली का सिलेबस जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया था। एंड इस वाले चैलेंज में मैं आपको रिविजन भी करवाऊंगा एंड उसके साथ साथ कुछ नए नए चैप्टर्स भी दूंगा जो आपको करने चाहिए, ओके। चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो जहां तक मेरा मानना है, यदि आपने चैलेंज को कंप्लीट किया होगा, ओके, तो आपका चैप्टर 5 या फिर चैप्टर 7 तक कंप्लीट हो गया होगा। देखिए, जब मैंने चैलेंज दिया था आप सभी को, तो मैंने मैथमेटिक्स के लिए दो केसेस दिए थे। पहला, जिनका चैप्टर 1-2 कंप्लीट था, एंड दूसरा, जिनका 1-2 कंप्लीट नहीं था। तो जिनका जिनका भी चैप्टर 7 तक कंप्लीट हो गया है, उन्हें अब चैप्टर 8 और चैप्टर 10 में फोकस करना है, क्योंकि चैप्टर 9 डिलीटेड है। एंड चैप्टर 8 और 10 के लिए मैं बात करूं तो दोनों लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, एंड मैं आपको ज्यादा इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगा। एंड रिवीजन कैसे करना है वो समझिए, मैं अब आपको एनसीईआरटी से ही रिवीजन भी करवाऊंगा। देखिए, रिवीजन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। गाइस, रिवीजन करने के लिए आपको सबसे पहले आप जो भी पढ़े हैं उसे एक्सट्रैक्ट करना होगा अपने दिमाग से। एंड एक्सट्रैक्ट आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको एक पेज लेकर के बैठना है जिसमें आपको सारे टॉपिक्स याद करने हैं, सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं, ओके। उसके बाद मैंने आपको पीछे वाले वीडियोस में ये भी कहा था कि जो भी क्वेश्चन आपको हार्ड लगे उस क्वेश्चन को आप लोगों को हल्का डॉट डाल देना है कि मुझे ये क्वेश्चन हार्ड लगा था, मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बना था। अब आपको क्या करना है कि जिसमें जिसमें आपने डॉट डाला था उस डॉट वाले क्वेश्चन को एक रिपीटेड मैनर में सॉल्व करना है, एंड खुद से सॉल्व करना है बिना किसी का देखे, यानी कहीं से बिना चीटिंग किए हुए आपको सॉल्व करना होगा उस क्वेश्चन को। इससे क्या होगा कि एक बार जब आप सारे फॉर्मूलाज को सारे थ्योरम को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में आ गया कि हाँ, इस थ्योरम में ये था, उसका प्रूफ भी आप जान गए, और जब आप उसे लिखते हैं ना तो एक और प्रैक्टिस हो गया। एंड जब आप उसे एक बार फिर से वैसे क्वेश्चंस को करते जब से नहीं बना था, जब आपको हार्ड लगा था, तो आप जब उसे कर लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में फिर से आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको रिवाइज करना है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि आपको पूरा एनसीईआरटी फिर से बनाना है, जो ऐसा करेंगे वो ठीक ही करेंगे, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए टाइम को बचाते हुए आपको ये काम करना है। एंड समर वैकेशन चल रहा है, आपको मस्ती भी करनी है, तो मैं आपको ज्यादा लोड नहीं देना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 चैप्टर दे रहा हूं। एंड ये तो चैप्टर को आप लोग हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, ये 2 चैप्टर जो है वो क्लास 9 के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड दोनों आपको आने वाले क्लासेस में काम आएगा ही, ओके। इसलिए इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा कि एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ दूसरे बुक से भी क्वेश्चंस कर लिए जाए, जैसा कि मैंने आपको साइड बुक कहा था आदि शर्मा का लेने के लिए। एंड यदि अब तक आपने साइड बुक वाला वीडियो नहीं देखा कि कौन कौन सा साइड बुक आपको क्लास 9 में लेना चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको इस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप लोग उसे जा करके देख लीजिएगा, ओके। तो मैथमेटिक्स में आपको कौन कौन सा करना है, चैप्टर 8 और 10, जिनका जिनका चैप्टर 7 तक कंप्लीट है वो ये करेंगे, जिनका इनका चैप्टर 5 तक ही कंप्लीट हो पाया था वो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 को करेंगे, ओके। मेन फोकस किस में होगा, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में, ओके। ये आपका स्ट्रेटजी मैथमेटिक्स को लेकर के होना चाहिए। हम लोग लास्ट में ये भी बात करेंगे कि समर वैकेशन के टाइम पे आपको कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करना है, ओके। अब हम लोग आते हैं साइंस में। देखिए गाइस, साइंस में 3 ब्रांचेस होते हैं, पहला केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर बायो, ओके, या फिर केमिस्ट्री बायो फिजिक्स, इस प्रकार का आपका डिवीजन होता है। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में मैंने आपको क्या कहा था, केमिस्ट्री में मैंने आपको कहा था कि आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर लेना है, ओके। एंड मैं उम्मीद करता हूँ, जैसा मैंने पोलिंग कराया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोट आया था कि हो गया उनका, ओके। तो आपको क्या करना है, चैप्टर 1 और 2 के बाद आपका हो गया है तो आपको चैप्टर 3 को करना है, ओके। एंड चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं जल्द से जल्द लाने वाला हूँ, ओके। मैं आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगा, एंड एक बात, यदि आप उस एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखकर समझ जाएंगे तो आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ओके। आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा, यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे तो जल्द से जल्द वीडियो आने वाला है, ओके। तो आइटम
आंसर मॉलिक्यूल जो चैप्टर है इसे जितना अच्छा हो सके आप लोग समझिएगा उस वीडियो को देख करके, ओके। एंड जल्द से जल्द आपको समर वैकेशन के अंदर इस चैप्टर को कर लेना है, आप क्लास में सबसे आगे रहेंगे यदि इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो, ओके। क्योंकि हाफ ईयरली के बेसिस में ये चैप्टर नहीं आने वाला है, उसके बाद आपको क्या करना है केमिस्ट्री से चैप्टर 1 और 2 को रिवाइज करना है। अब चैप्टर 1 और 2 को कैसे रिवाइज करना है, तो मैंने आपसे शॉर्ट नोट्स भी बनवाए थे, लॉन्ग नोट्स भी बनवाए थे, तो आपको चैप्टर 1 और 2 को रिवाइज करना है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। एंड यदि अभी तक आप नोट्स बनाना शुरू नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो का लिंक दिया गया है जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि नोट्स बनाना क्यों जरूरी है, कैसे आप अच्छा नोट्स बना सकते हैं, ओके। तो उस वाले वीडियो को देख लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए यदि अभी तक आपने शुरू नहीं किया तो, क्योंकि नोट्स अभी ही काम आएंगे आपको। अब जैसे मैंने आपको रिविजन करने को कहा तो तुरंत शॉर्ट नोट्स आप निकालेंगे, तुरंत आप सारी चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, ओके। तो जल्द से जल्द आप लोग नोट्स को रिवाइज कीजिए, यदि आपने नहीं बनाया तो जल्द से जल्द बना लीजिए नोट्स को, आपको आगे काम आएगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि नोट्स आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल ही रहेगा, ओके। तो आपको क्या करना है गाइस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो चलते हैं इसे जितना जल्दी हो सके पूरा करना है, जितना जल्दी हो सके, ओके। समर वैकेशन के लिए साइंस से केमिस्ट्री वाले पार्ट से मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चैप्टर दे रहा हूँ, इसे जल्दी पूरा कीजिए। जैसे समर वैकेशन खत्म होगा एक नया स्ट्रेटजी, एक नया चैलेंज आप सभी के लिए होगा, ओके। अब नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें गाइस, तो नेक्स्ट आपका आता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में मैंने आपको क्या कहा था, बायोलॉजी में मैंने आपको कहा था कि आपको चैप्टर 5 और चैप्टर 6 करना है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि चैप्टर 6 को नहीं कर पाए हैं। तो बायोलॉजी में ज़्यादा नहीं, आपको चैप्टर 6 को पूरा का पूरा कर लेना होगा, चैप्टर 6 को जितना जल्दी हो सके आप लोग पूरा कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो बायोलॉजी में मैंने ज्यादा लोड आपको नहीं दिया क्योंकि चैप्टर 7 रिलेटेड ही है, तो जब धीरे धीरे बायोलॉजी को पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी। अब हम लोग आते हैं फिजिक्स में जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स है, अब फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। तो देखिए गाइस, फिजिक्स में मैंने आपको ये कह दिया था कि आपको मोशन चैप्टर और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कर लेना है, एंड ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि उनका मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो है वो खत्म हो चुका है, तो अब आपका जो नेक्स्ट फोकस है वो ग्रेविटेशन चैप्टर और वर्क एनर्जी चैप्टर पर होना चाहिए। हाँ, मैं यहाँ से 2 चैप्टर दे रहा हूँ क्योंकि आपका एक साउंड चैप्टर बचेगा जो कि खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपको ग्रेविटेशन करना है एंड वर्क एनर्जी का आप लोग आधा ही कीजिएगा, ओके। थोड़ा वर्क लोड आपके कम हो जाएगा, तो ग्रेविटेशन पूरा और वर्क एनर्जी आधा, क्योंकि ग्रेविटेशन जो है इसे बढ़ा दिया गया है, बायोलॉजी इसे उसमें ऐड कर दिया गया है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा कि आप वर्क एनर्जी का आधा भी कर लें, यदि आप वर्क एनर्जी टच भी नहीं कर पाते हैं तो ग्रेविटेशन पर फुल फोकस कीजिएगा, ओके, ग्रेविटेशन को कंप्लीट कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि साइंस में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है इस समर वैकेशन के टाइम पर। तो गाइस देखिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी करना है, नोट्स बनाना है और नोट्स को 5-5, 7-7 दिन में रिवाइज करते चलना है, ओके। उसके बाद टाइम बच जाए तो आपको अपने साइड बुक यानी एस चांद बुक जो मैंने सजेस्ट किया था उसे भी पढ़ लेना है एक बार, ओके। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा। तो साइंस में आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, पहले एनसीईआरटी किया, उसके बाद नोट्स बना लिया, वीडियो लेक्चर देख के नोट्स बना लिया। नोट्स बना लेने के बाद आपको एक नेक्स्ट चीज जो करना है वो ये करना है कि आप उसे 5-7 दिन में रिवाइज करते चलेंगे, ऐसा नहीं नोट्स बना लिए उसके बाद भूल गए। एंड यदि अभी तक आप नोट्स बनाना नहीं जानते हैं तो जाकर के इस वीडियो को देख लीजिए, आप नोट्स बनाना 10 मिनट में सीख जाएंगे, क्यों जरूरी होता है ये भी आप जान जाएंगे। तो उस वाले वीडियो को आप लोग बिल्कुल जाकर के देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको वर्क एनर्जी करना है फिजिक्स से, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स बनाइए, नोट्स को रिवाइज करते चलिए और फिर आप साइड बुक थोड़ा पढ़ लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं एसएसटी में। तो एसएसटी में आपको कहा था कि आपको हिस्ट्री से चैप्टर 1 करना है और चैप्टर 2 को आधा करना है, यानी मैंने आपको ये कहा था कि आपको सोशलिज्म इन यूरोप तक करना है, रशियन रिवॉल्यूशन नहीं करना है, बट अब मैं यहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन को ऐड कर रहा हूँ, ओके। रशियन रिवॉल्यूशन को आप लोगों को कर लेना होगा, अब आपको रशियन रिवॉल्यूशन में ऐड करके दे रहा हूँ कि आपको रशियन रिवॉल्यूशन जो है वो कम्प्लीटली करना होगा, ओके। यहाँ पे आपको रशियन रिवॉल्यूशन अब कम्प्लीट कर देना होगा क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है, ओके। तो मैं आपको हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिंपल सा दे रहा हूँ समर वैकेशन के लिए, क्योंकि आपको मस्ती भी करना है, पढ़ना भी है, तो पढ़ाई के लिए मस्ती भी जरूरी होती है कभी कभी, इसलिए आपको रशियन रिवॉल्यूशन को पूरा कर लेना होगा, यानी चैप्टर 1 और 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसी बीच आपको चैप्टर 1 को और सोशलिज्म इन यूरोप जो टॉपिक है आपका उसे रिवाइज भी कर लेना है, ओके। क्योंकि मैंने आपको पीछे वाले चैलेंज में ये कहा था कि आपको सोशलिज्म इन यूरोप टॉपिक तक करना है, बट अब मैं यहाँ पर रशियन रिवॉल्यूशन को ऐड कर दे रहा हूँ क्योंकि समय बीत चुका है, एंड जरूरी है कि आप लोग दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर लें। तो इन दोनों चैप्टर को कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, इसे अच्छे से कर लीजिए, और यहाँ पर भी आपने नोट्स बनाया है तो नोट्स को रिवाइज कीजिए, और अभी तक बनाना शुरू नहीं किया है तो आप बनाइए, आपको फायदा होगा। आप लास्ट में ही बोलेंगे नोट्स नहीं बनाने से मैं बहुत पछता रहा हूँ, इसलिए नोट्स आप लोग बनाइए, आपको फायदा ही होगा, ओके। नोट्स बनाने से कभी आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है, ओके। तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री में चैप्टर 2 कंप्लीट कर देना है और चैप्टर 1 को रिवाइज करना है। अब एसएसटी कैसे पढ़ना है पहले सुन लीजिए, एसएसटी को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले चैप्टर समझना होगा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन जल्द से जल्द देने वाला हूँ, मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन आपको दे भी दिया था।
मैं बस आपको यही कहूंगा कि जो भी मैं आपको दे रहा हूँ उससे कम बिल्कुल मत कीजिएगा, भले एक ज्यादा कर लीजिएगा, ओके। यही मैं आपको कहूंगा, क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे अभी तो मई चल रहा है, अभी तो जून चल रहा है, लेकिन गाइस कब मई चला जाएगा और कब जून चला जाएगा और कब जुलाई चला जाएगा और सितंबर आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कब अगस्त ये सब पास हो जाएंगे और सितंबर आपका हाफ ईयरली एग्जाम आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ओके। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप लोग टर्म टू में भी घुस जाएं, ओके। क्योंकि देखिए आपका हाफ ईयरली एग्जाम तो आधा ही आने वाला है, लेकिन आपका जो पूरा फुल एग्जाम होगा उसमें पूरा का पूरा बुक आएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपको रिवीजन का भी टाइम चाहिए होगा। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि अगस्त का जो मंथ होगा उसके लिए मैं आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी दूंगा, खाली वहाँ पे मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवाऊंगा। जुलाई तक मैं कोशिश करूंगा कि आपका क्लास 9 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए, ओके। एंड यदि आप करना चाहेंगे ना गाइस तो आपका हो जाएगा, और आपको 95% यदि लाना है तो आपको इस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल फॉलो करना होगा, आपको थोड़ा स्पीडली पढ़ाई करना होगा एंड समर वैकेशन का फुल यूटिलाइजेशन आपको करना होगा। इसलिए फिर से कह रहा हूँ आपको ज्यादा करना है, मेरे बोले हुए से ज्यादा करना है, कम नहीं करना है, ओके। मैं जो भी बोल रहा हूं उससे ज्यादा ही करने की कोशिश कीजिएगा, कम बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ओके। तो यहां पे हिस्ट्री हो गया था हमारा, आते हैं ज्योग्राफी पर। देखिए ज्योग्राफी आपका बहुत ज्यादा नहीं है, ज्योग्राफी मैंने आपको चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी करवा दिया है एंड मैं ही प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि आप सभी ने कर भी लिया होगा। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, चैप्टर 4 करना है, ओके। चैप्टर 4 आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि चैप्टर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा है चैप्टर 4, इसलिए मेन फोकस चैप्टर 4 पर, ओके। चैप्टर 4 को पूरा कीजिए और चैप्टर 3 को भी, यानी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों लंबा लंबा चैप्टर है, इसलिए दोनों चैप्टर को आप लोग कर लीजिए। एसएसटी में कोई भी डिलीशन नहीं था, पूरा का पूरा पढ़ना है, इसलिए चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आप लोग जल्द से जल्द कर लीजिएगा, ओके। एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। देखिए इकोनॉमिक्स में भी आपको ज्यादा मैंने नहीं करने को कहा था, मैंने आपको पीपल एज ए रिसोर्स तक करवा दिया है। यदि आपका बचा हुआ है इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स को बच्चे नेग्लेक्ट करके चलते हैं, इसलिए यदि आपका बचा हुआ है तो आप लोग चैप्टर 1 और 2 को रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, ओके। एंड आपको एक बात का ध्यान रखना है कि प्रॉपर तरीके से समर वैकेशन के टाइम पर आपको रिवीजन भी करते चलना है। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप बाद में सफर करेंगे, इसलिए रिवीजन जितना अच्छे से हो सके आप लोग करते जाइए, रिवीजन से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ओके। अब हम लोग आते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको ये कहा था कि आपको कौन सा करना है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 था आपका वायज डेमोक्रेसी और चैप्टर 2 था कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ये आपने कर लिया होगा, ओके। और यदि आप कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं, तो नेक्स्ट जो आपको करना है वो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ओके। इसे आप लोग जितना जल्दी हो सके कर लीजिए, आपको फायदा होगा, ओके। मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कम कम ही दे रहा हूँ, क्योंकि समर वैकेशन आपका 1/4 पास भी हो गया है, इसलिए मैं आपको कम कम दे रहा हूँ, ओके। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके इसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। 40 दिन का आपको समर वैकेशन मिला था, 10 दिन जा चुके हैं, मान लेते 5 दिन आपने और निकाल दिए, तो 25 दिन के लिए मैं आपको मेनली स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको इस स्ट्रैटेजी का नाम ही रखा था समर वैकेशन स्ट्रैटेजी। समर वैकेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मेरा मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया। अब इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं, तो इंग्लिश हिंदी और संस्कृत में आपको ज्यादा मैं नहीं करने को कहूंगा। इंग्लिश के 3 चैप्टर, हिंदी के 3 चैप्टर, कृतिका और चिटी से मिला करके, और आपके संस्कृत की जो भी बुक है उसे 3 चैप्टर आप लोग कर लीजिएगा व्याकरण से मिला करके, ओके। तो आपको ऐसे ही करना है। हिंदी इंग्लिश के लिए मैं आपको कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा हूं, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको एक प्रॉपर शेड्यूल में हिंदी और इंग्लिश को भी ऐड करना है। डेली का डेली आपको हिंदी इंग्लिश कुछ ना कुछ देर के लिए पढ़ना है। अब हिंदी इंग्लिश आपको मैं डेली इसलिए पढ़ने बोल रहा हूं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश को पढ़ने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका माइंड फ्रेश होगा, ओके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम टाइम में हिंदी इंग्लिश निकाल के बैठ जाते हैं, उस टाइम पे वो प्रेशर बहुत ज्यादा फील करते हैं एंड एग्जाम में कम लिख करके आ पाते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश रोज पढ़िए, हिंदी रोज पढ़िए, इससे आपका जो है लास्ट में वर्कलोड जो है वो कम हो पाएगा, आप ज्यादा प्रेशराइज फील नहीं करेंगे। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, आप लोग जल्द से जल्द अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे एंड मैं गारंटी लेता हूं कि जब इस स्पीड से पढ़ाई करेंगे ना तो आप क्लास 9 का सिलेबस जो है अगस्त तक पूरा खत्म कर देंगे। अगस्त नहीं तो अक्टूबर तक तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक मंथ जो है वो सितंबर आ जाएगा बीच में अड़ंगा, ओके, क्योंकि वो एग्जाम होने वाले हैं। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना शुरू कीजिए एंड कंप्लीट कीजिए समर वैकेशन के बीच में ही इन सारे सिलेबस को, ओके। यदि आप इसे कर लेंगे तो आपको क्या करना है, 30 दिन बाद इसी वीडियो में वापस आना है एंड नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मैंने कर लिया, ओके। ये आपका काम है, आपको कमेंट करके बताना होगा कि मैंने कर लिया। आपको कब आना है, 25 से 30 दिन के बाद आना है, जब आपका समर वैकेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आकर के आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना होगा कि मैंने कर लिया, ओके। एंड पिछला चैलेंज आप कंप्लीट कर चुके हैं एंड अभी तक आपने वोटिंग नहीं किया तो जाकर के वोटिंग कीजिए। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आपने कंप्लीट किया या फिर नहीं। जब आपका कंप्लीट हो गया है तो आप लोग जाकर के वहाँ वोट कर दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि किसका किसका कंप्लीट हुआ और किसका किसका कंप्लीट नहीं हुआ। एंड तब तक के लिए इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, आज से 25-30 दिन
बाद मैं फिर से एक स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर के आऊंगा। समर वैकेशन के बाद आपको मैं फिर से एक स्ट्रेटेजी दूंगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। इसके बीच में आपको कुछ कुछ और ऐसे टिप्स दूंगा जिसके हेल्प से आप इस चैलेंज को जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। इसी बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, तो मैं आपको समर वैकेशन को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा पढ़ाई करने को नहीं कहूँगा, बट मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि कम से कम अभी समर वैकेशन चल रहा है, दिन भर घर में ही रहना है, तो 6 से 7 घंटे आपको पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद ही आप लोग इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। इससे आगे निकलना है, इतने में नहीं रहना है और इससे कम में तो बिल्कुल नहीं रहना है, इससे आगे निकलने की कोशिश करनी है। एंड इसके आगे निकलने के लिए आपको पढ़ाई करनी होगी कम से कम 6 से 7 घंटे। ओके, यदि आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर मिलते रहते हैं। गाइस, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।